हेलो दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए तो आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साजिद गांवकर ऑफिशियल। और आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि रेलवे में इंडियन रेलवेज में हम लोग बुकिंग करने जाते हैं तभी REC बोल के वो लोग टिकट देते हैं। REC मतलब वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। REC क्या है, कैसे उसके फ़ायदे है, बेनिफिट्स क्या है, तो हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो। तो देखो, वीडियो अंत तक देख शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जैसे कि आप सबको मैंने वादा किया था कि मैं एक 5 नए वीडियोस लाऊंगा आपको रेलवे के बारे में बताने के लिए। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि REC में हम लोग टिकट बुक करते हैं, हमको पता नहीं होता है टिकट है अवेलेबल है कि नहीं इंडियन रेलवेज में स्पेशली। तो पहले तो मैं हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सजीद गांव का, तो शुरू करते बता कंटिन्यू करता हूँ मैं अपना काम। और REC में ऐसा होता है कि बहुत बार आप टिकट बुक करने जाते हो तो टिकट अवेलेबल नहीं होती है आपके लिए, और बहुत से सवाल होते हैं आपके मन में कि टिकट अवेलेबल क्यों नहीं है, क्या हो रहा है। बहुत सारे ट्रेन्स में ऐसे होता है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेन्स है इंडिया में, जैसे हमारे इधर गोवा स्पेशल, उसमें टिकट नहीं मिलता, 4 महीने से पहले करना पड़ता है, 4 महीने तक करना पड़ता है, क्योंकि अभी टाइम एक्सटेंड किया तो अच्छा होता है। तो वेटिंग लिस्ट नहीं मिला तो पहले क्या होता है, सभी सीटें ख़त्म हुई तो थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन में REC होती है ट्रेन में। तो REC सीट मतलब क्या है, सभी लोग आप कोई भी जो नेट पे सर्च मारो क्या है REC, क्या है REC, है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। मतलब क्या है ये, मैं आपको सही तरह से समझाना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन क्या है। अगर आप सोचोगे क्या है, बहुत से आपने बहुत सारे लोगों के साथ तो पूछा ही होगा REC क्या है भैया, तो वो लोग बताएंगे कि आपको REC बोले तो एक बेड देंगे, उस पर एक बर्थ मिलेगा आपको, दो जन बैठेंगे, एक साइड में ए साइड और एक साइड में ए साइड, एक ही बर्थ पे आपको सोना है, बैठना है एक ही बर्थ पे। लेकिन अगर आपका टिकट कंफर्म हुआ होता है पहले तो आपको सीधी बर्थ मिलती है, पूरे एक जन को एक बर्थ मिलती है। लेकिन REC में आपका सीट है तो आपको एक जन के लिए दो जन के लिए एक बर्थ मिलती है। और इससे क्या होता है, आप सभी को लोगों को एक नहीं पता होता है कि वो लोग बोलते तो है कि एक बर्थ मिलते, वो कब होता है, जब आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, REC से आपका कंफर्म टिकट नहीं होता है तभी आपको एक बर्थ दी जाती है, और एक बर्थ में दो जन बैठ सकते हैं जब टिकट कंफर्म नहीं होता तब। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, अगर टिकट में कंफर्म होता ही नहीं है, सीधा बेड होता है और दो साइड में एक साइड में एक बर्थ पे दो जन बैठना होता, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत से लोगों को वो ऐसे बताएंगे आपको बर्थ पे सोना है, दो जन बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत प्रोसीजर है उसका। आप ऐसा होता है कि पहले तो आपको देंगे REC 1, REC आपका कितना नंबर है REC में 24, और आपका बर्थ नहीं लिखेंगे वहाँ पे, आपको बाद में मिलेगा वो बर्थ, वो कभी मिलता है वो आपको मैं सभी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अभी पूरी जानकारी दूँगा मैं आपको। वो ऐसा होता है कि ट्रेन की टिकट जो आपका है टिकट जर्नी का टिकट है, वहाँ पे ऊपर PNR नंबर होता है, वो अगर आप लास्ट जर्नी आपके अगर 2 महीने बाद है 3 महीने बाद है तो आप सर्च करोगे तो आपको PNR नंबर के साथ आपका ट्रेन का टिकट मिलेगा। वो कब कंफर्म होता है REC जब आपका डेट की जर्नी होती है, अभी सुबह नहीं तो रात को, उसके पहले दिन रात को, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह होता है और रात को भी होता है, आपका ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से डिपेंड है। अगर समझो कल सुबह आपकी ट्रेन है तो आपको आज रात को आएगा मैसेज, अगर कल शाम को आपकी ट्रेन है तो कल सुबह आएगा मैसेज, ऐसा होता है। वो तो मैसेज को ध्यान से देख के आपका PNR नंबर आपको मिलेगा। अगर आप बहुत जन हो, 6 जन हो, 5 जन हो, 4 जन हो, तो आपको एक ही जगह पर मिलने की गारंटी नहीं होती है। वैसे कन्फर्म टिकट में वैसा नहीं होता, कन्फर्म टिकट में आपको एक ही जगह पर मिल सकता है 90%। और REC में आपको एक बेनिफिट है कि वेटिंग लिस्ट वैसा नहीं है, अगली वीडियो में बनाऊंगा आपको और इंटरेस्टिंग होगी आपकी मेरी वीडियो। REC में ऐसा है कि अगर आप REC में बुक करते हो तो 90% चांस होता है, 99% बुक होना ही चाहिए, आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचो REC में है तो मेरा एक बार मिलेगा, वो कब होता है, जब आप एंड मोमेंट पर बुक करते हो तो REC मिला तो वो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप लास्ट तक देखेंगे, लास्ट आवर आज आपकी जर्नी है, अगर आपको सुबह मैसेज आया दोपहर को आपकी ट्रेन है तो सुबह मैसेज आया तो समझ लो आपका टिकट कंफर्म हो गया, तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, टिकट दिखाई अपने सीट नंबर वहाँ पे होगी, बुकिंग नंबर वहाँ पे होगी,
और आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इतनी थी हमारी आज की वीडियो, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर प्रेस कर देना दोस्तों, तो आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट भी कर देना दोस्तों, और ऐसी वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो मैं ट्रेन के लिए लेता आऊँगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा लिंक तो नीचे है ही। और आपको मेरा नाम तो पता है, साजिद गाँवकर, और वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।